मंगलवार को बीजेपी की हुई संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। दरअसल पीएम मोदी ने दिल्ली हिंसा का सीधा जिक्र किए बिना कहा कि देश में शांति और एकता बहुत जरूरी है। मीटिंग में मोदी ने अपना नारा भी दोहराया कि सबका साथ सबका विकास के साथ साथ सबका विश्वास भी होना बहुत जरूरी है। साथ ही उन्होंने सख्त लहजे में ये भी कहा कि उनके लिए देश पहले और दल बाद में है। बता दें कि पीएम मोदी का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब उनके सोशल मीडिया छोड़ने की खबर हर जगह छाई हुई है। मोदी ने सोमवार रात यह ऐलान किया था कि रविवार से वे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब छोड़ सकते हैं। मोदी ने मीटिंग में कहा कि देश सर्वोपरि है, बीजेपी का विकास मंत्र है और इसके लिए शांति, एकता, सद्भावना बहुत जरूरी है और इन्हीं को आगे रखते हुए हमें विकास के पथ पर आगे बढ़ना है। मीटिंग से बाहर आकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि मोदी ने सांसदों को सख्त लहजे में ये भी बताया कि यह सिर्फ बोलना नहीं है बल्कि करना है। हर सांसद को शांति, एकता और सद्भावना में लीड रोल अपनाना चाहिए। दिल्ली में फैली हिंसा के बाद 26 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार इस पर कुछ कहा था। 69 घंटों बाद ट्वीट की वजह से पीएम मोदी को कई लोगों ने घेरा भी था। उन्होंने अपने ट्वीट में लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की थी। मोदी ने लिखा था कि दिल्ली में अलग अलग हिस्सों में जो हालात हैं उस पर विस्तृत समीक्षा की गई। पुलिस और अन्य एजेंसी शांति बहाली सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। साथ ही उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में ये भी लिखा था कि मैं दिल्ली के भाई बहनों से अपील करता हूं कि वो शांति और भाईचारा बनाए रखें। लेकिन इसके बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री भावुक हुए वो अपने आप में उनके मन की पीड़ा को व्यक्त करता है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।